أنت الرحمن يا الله أنت الرحيم يا الله أنت السلام يا الله أنت العزيز يا الله أنت القدوس يا الله أنت الجبار يا الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

कि अल्लाह ताला की रहमत एक ख़ास है एक आम है उसकी आम रहमत सब के लिए है तमाम इंसानों के लिए तमाम हवानों के लिए तमाम मखलूक़ के लिए लेकिन उसकी ख़ास रहमत सिर्फ़ उनके लिए है जो उस पर ईमान लाते हैं जो उसके इताद गुज़ार हैं उसके बरदार हैं तो आज हम इन शे देखेंगे कि अल्लाह सुबहान तंदे जो अल्लाह ताला की इतात में वक्त गुजारते हैं अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं अल्लाह सुबहान पर किस तरह अपनी रहमत नछावर करता है अल्लाह सुबहान तै का ये नाम क़ुरान मजीद में मुतद्दद बार इस्तेमाल हुआ है बिस्मिल्लाह में तो ख़ैर रहमान के साथ हर जगह ही आता है बसमिल्लर लेकिन अल्लाह पाक के कुछ और नाम भी ऐसे हैं जिनके साथ और रहीम का लफ्स आता है मसलन अवाब बहुत ज़्यादा तोबा कबूल करने वाला अलफ़ूर बहुत ज़्यादा बख्शिश फरमाने वाला अरऊफ़ बहुत ज़्यादा शफकत करने वाला अलवदूद, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और अज़ीज़ बहुत ज़बरदस्त गालिब तो अल्लाह अपने बंदों के लिए और ख़ूस उन बंदों के लिए जो मोमिन हैं जो अल्लाह ताला के अत गुज़ार हैं उनके साथ खुसूसी रहमत फ़रमाता है सुन्नत में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुबहान तै के इस नाम का जिक्र फ़रमाया है। हज़रत अबू बकर कहते हैं कि मैंने रसूल अलैहि वसलम से कहा मुझे कोई ऐसी दुआ सिखा दीजिए जो मैं हर नमाज में मांगा करूँ आपने फ़रमाया कहो अल्ला म्म नफसी ीरा वला यक़ फिर जनूब अंत फ़खिरली मख़फ़िर तमन दा व्रहम ने कहा अंतफ़ूर रहीम ए अल्लाह मैंने अपनी जान पर बड़ा या है और तेरे अलावा कोई भी गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता इसलिए ख़ास अपने फ़ज़ल से मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और मुझ पर रहम फ़रमा बेशक तू बड़ा बख्शने वाला बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है इब्न उमर कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ एक मजलिस में सौ बार ये दुआ शुमार किया करते थे जो आप पढ़ा करते थे रब फिर लियो तब अलया कंत तववा ब्रहीम ए मेरे रब तो मुझे बख्श दे और मुझ पर मेहरबानी फरमा बेशक तू बहुत ज़्यादा तोबा कबूल करने वाला बार बार रहम फरमाने वाला है पर इसी तरह अल्लाह सुबहान तआला पहले ईमान के साथ अपनी ये रहमत और शफकत और मेहरबानी सिर्फ आखरत में ही नहीं करेगा बल्कि दुनिया में भी उसकी रहमत और शफकत अपने बंदों पर नज़र आती है बहुत से जगहों पर हम देखते हैं कि अल्लाह का ये वादा है कि अगर तुम अल्लाह की इताहत करोगे इख्तियार करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमत फ़रमाएगा सूरतहदीद में अल्लाह फरमाते हैं यादी आमन ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो वह बे बसूल ही और उसके रसूल पर ईमान ले आओ युत मेर रहमती ही वो अपनी रहमत से दोहरा हिस्सा तुम्हें देगा यानी तुम अगर, अगर अल्लाह का तकवा अख्तियार करोगे और रसूल पर ईमान रखोगे तो दुगनी रहमत पाओगे वो एजान लकुम नूरन तमशू न भी और तुम्हें ऐसा नूरत फ़रमाएगा जिसके जरिए तुम चलते रहोगे वो लकुम और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा वल्ला गफ़ूर रहीम और अल्लाह ताला बख्शिश फरमाने वाला मेहरबान है सलाम और ईमान वालों के लिए अल्लाबहान तआला ने किस तरह अपनी ये रहमत ज़ाहिर फरमाई जो लोग उनके साथ कश्ती पर सवार थे उनके लिए कहा गया वी हा बिसम्ला वुरसाहा रबी रहीम और उसने कहा कि इसमें सवार हो जाओ अल्लाह के नाम के साथ है इसका चलना और इसका ठहरना बेशक मेरा रब यकीनन बेहद बख्शने वाला और नहायत रहम करने वाला है यानी उसकी ये रहमत किन पर हुई उन पर जो ईमान लाकर नू अलैहिस्सलाम के साथ उस कश्ती में सवार हो गए अगरचे हर तरफ पानी ही पानी था और कश्ती हचकोले खा रही थी लेकिन नू अलैहिस्सलाम ने उनको अशोर कराया कि अल्ला सुबहान तौ बहुत मेहरबान है जिसने तुम्हें इस अज़ाब से निजात दी है वो आइंदा भी तुम पर अपनी रहमत फ़रमाएगा फिर इसी तरह अहले जन्नत के लिए अल्लाह सुबहान फरमाते हैं लहुम फ़ी हाफ़ा कि सलाम क़लम रहीम उनके लिए उस जन्नत में बहुत फल हैं और उनके लिए उसमें वो सब कुछ है जो वो तलब करेंगे यानी जो भी उनकी सारी ख्वाहिशात हैं वो वहाँ पर पूरी कर दी जाएंगी सलाम उस रब की तरफ़ से कहा जाएगा जो ग़ूर रहीम है तो इससे भी ये पता चलता है कि जन्नत जो अल्लाह ताला की रहमत है वो उन लोगों के लिए ख़ास है जो उस पर ईमान रखते हैं दुनिया में भी अल्लाह सुबहान तौजाम हमें दिए हैं बाज़ोकत हमें बज़ाहिर मुश्किल नज़र आते हैं लेकिन वो भी दरअसल अल्लाह सुबहान की रहमत ही का नतीजा है القرآن المجيد ما يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناهم بعدهن طبافون عليكم أيمان بالو चाहिए कि तुम्हारे लौंडी गुलाम और तुम्हारे नाबालिग बच्चे तीन अवात में तुमसे इजाज़त लें नमाज फजर से पहले और दोपहर को जब तुम अपने कपड़े उतारते हो यानी आराम के लिए कैलुला के लिए और नमाज इशा के बाद ये तीन अवात तुम्हारे पर्दे के हैं इनके अलावा तुम पर और उन पर कोई हर्ज नहीं ये तुम्हारे पास आने जाने वाले हैं ये घरेलू ज़िंदगी के अंदर के अहकाम हैं जो अल्लाह सुबहान दिए हैं इसमें बज़ाहिर एक रुकावट नज़र आती है लेकिन इबन अब्बास कहते हैं बिला शुबा अल्लाह अज्जाव जला हलीम है और मोमिनों पर बहुत रहम फरमाने वाला है और वह पर्दे को पसंद करता है क्योंकि उस दौर में घरों में बाकायदा दरवाज़े नहीं होते थे और पर्दे और आ, कपड़े के पर्दे वगैरह होते थे तो बाज़त कोई ख़ादम आता बच्चा या कोई बच्ची आ जाती और मर्द अपनी बीवी के साथ होता तो अल्लाह ताला ने उन्हें पर्दे के इन औक़ात में इजाज़त लेने का हुक्म दिया तो अल्लाह ताला का ये हुक्म मोमिनों के लिए उसकी रहमत का बास था यानी रहमत की वजह से उसने अता किया फिर इसी तरह हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अवात में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की जिस तरह दुआएं सुनते हैं और जिस तरह उनकी फ़रियादें सुनकर उन पर रहम फरमाते हैं उसका जिक्र भी कुरान मजीद में मिलता है अलैहिस्सलाम जिंदगी के एक बड़े हिस्से को गुजार चुके थे इंतहाई बुढ़ापे की उम्र में पहुंच चुके थे लेकिन अपने रब की रहमत से कभी मायूस नहीं हुए वो कहते हैं लम अकुन बिदुआ का रब शक़िया तुझसे दुआ मांग कर तो मैं कभी बदबक रहा ही नहीं मेरी दुआ तो हमेशा सुनी गई मैं कैसे तुझसे मायूस हो सकता हूँ इसीलिए सूरत मरियम में आता है विक्र रहमत रब का अब्दु ज़क्रिया इजनादा रबहु नदा अनखफ़िया कौल रब इन्नी वहन अला आज़मु मन्नी वश्ताशैबा वलम अकुम बुआ कर रब शक़िया रब की अपने बंदे ज़करिया पर रहमत का ज़िक्र है जब उसने अपने परवरदिगार को चुप के चुपके पुकारा और कहा अ मेरे रब यकी मैं हूँ कि मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई और सर बुढ़ापे से शोले मारने लगा इन बिल्कुल सफ़ैद हो चुका है और अरे रब मैं तो जो पुकारने में कभी भी महरूम नहीं हुआ यानी तूने हमेशा मुझ पर रहमत की और वाकई जब उन्होंने रब की रहमत को पुकारा तो अल्लाह सुबहान इस बुढ़ापे में जबकि वो खुद भी बूढ़े थे और उनकी बीवी भी बांझ हो चुकी थी उनकी दुआ सुनी और उन्हें यही आलम जैसी औलाद दी जिसका नाम भी अल्लाह सुबहान तुद रखा फिर इसी तरह बात अहल ईमान पर दुनिया में इम्तहान आते हैं आज़माशें आती हैं तो लोग अमूमन ये कहते हैं कि फिर रब की रहमत तो ना हुई लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ इम्तिहान और बाज़ मुश्किल भी इंसान के लिए रहमत होते हैं अल्लाह सुबहान कुरान मजीद में फ़रमाते इना माल उ युसरा फ इन माल उरी युसरा बेशक तंगी के साथ आसानी बस यक़ीन तंगी के साथ आसानी भी है यानि अगर कभी ईमान के बावजूद नेक काम करने के बावजूद दुआओं के बावजूद हालात मुश्किल हो, जिंदगी में तकलीफ़ हो परेशानी हो तो भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा रब हमसे नाराज़ है या वो दुआ नहीं सुनता या उससे किसी भी किस्म का ऐसा कोई गिला शिकवा ना हो क्योंकि किसी भी चीज़ में तख़िर ये भी अल्लाह के इजन से होती अल्लाह हर हाल में अपने बंदों पर मेहरबान है हम नहीं जानते हम तो ज़ाहरी चीज़ों को देख कर फ़ैसले करते हैं लेकिन वो मेहरबान रब जानता है कि मुझे अपने बंदे को किस वक्त किस नेमत से नवाजना है कौन सी नेमत उसे कब मिलेगी तो वह हकीकत में शुक्रगुजार होगा और कौन सी नेमत उसके अंदर फरमाबरदारी की बजाय नाफरमानी भी ला सकती है इसलिए वो अपने बंदे को कुछ चीज़ों से रोक कर रखता है और इस रोकने में ही बंदे के लिए फ़ायदा और भलाई होती है असल बात यह है इंसान अपने रब पर एतमाद करते हुए उसके फैसलों पर यकीन करते हुए और उसकी रहमत को महसूस करते हुए उस पर पूरा ट्रस्ट रखे और उसके फैसलों को दिल से कबूल कर ले क्योंकि उसके ये फैसले भी रहमत पर ही मबनी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहली हज़रत आयशा कहती हैं मैंने अलैहि वसल्लम से ताउन के बारे में पूछा प्लेग बीमारी है आपने फरमाई एक अजाब है अल्लाह ताला जिस पर चाहता है भेजता है लेकिन का तो उस बीमारी का शिकार मुसलमान भी हो जाते हैं तो फिर क्या वो लोग जो ईमान की हालत में हैं या वो लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं अगर वो इस बीमारी का शिकार हो जाए तो क्या उन पर भी अजाब आ गया नहीं फरमाया बेशक अल्लाह ने इसको मोमिनों के लिए बायस रहमत बनाया वो किस तरह वो इस तरह कि अगर कोई ताउन की बीमारी में फौत हो जाता है तो वो शहादत का मरतबा पाता है और शहीद का दर्जा और रुतबा तो सबको मालूम है एक और रिवायत में आता है रसूल सल्लाम ने फरमाया जब ज़मीन में बुराई आम हो जाएगी तो अल्लाह ताला अहले ज़मीन पर अपना अजाब नाजिल फरमा देगा अगर इनमें नेक लोग हुए तो जो लोगों को पहुंचा वह उनको भी पहुंचेगा क्योंकि बाज़त ऐसी आ, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कोई तूफ़ान आ जाते हैं आंधियाँ आ जाती हैं जल्जले आ जाते हैं उसमें नेक और बद सभी पिस जाते हैं तो ऐसी सूरत में अगर वो किसी कौम पर अज़ाब भी हो तो उसके अंदर पाए जाने वाले अहल ईमान के लिए वो चीज़ भी रहमत बन जाती है फरमाया फिर वो अल्लाह की रहमत की तरफ लौट आएंगे यानी वो अल्लाह से इस हाल में जा मिलेंगे कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी होगा और वो आखिरत में अल्लाह की रहमत को पा लेंगे क्योंकि मोमिन को इस दुनिया में कोई भी तकलीफ़ जो आती कोई भी परेशानी जो आती हती कि अगर उसको सिर्फ़ एक कांटा भी चुप जाता है कोई कांटे की पर्ख भी हो जाती तो उस पर भी उसके गुनाह माफ़ होते हैं उस पर भी वो अल्लाह सुबहान तर्ब हासिल करता है तो इसलिए मोमिन के तो हर हाल में ख़ैर ही खैर है उसके हर हाल में भलाई ही भलाई है और ये चीज़ मोमिन के सिवा किसी को नसीब नहीं कि जब उसको कोई नेमत पहुँचती है और वो शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उससे राजी होता है अल्लाह ताला उससे खुश हो जाता है और अगर उसे कोई तकलीफ़ आती है और उस पर वो सब्र करता है तो अल्लाह की तज़ा पाता है और सब्र पर उसको बेहद हिसाब अजर मिलता है इसलिए अगर आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हो अल्लाह की इबादत में भी कमी ना करते हो सद का खैरात भी करते हो और भी नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हो और इन सब कामों के करने के बावजूद अगर फिर हालात तंग हो जाए फक्र फाका आ जाए या किसी और तरह की आज़माइश आ जाए तो कभी भी शैतान ये वसवसा दिल में डालने में कामयाब ना हो कि तुम्हारा रब तुम पर नाराज़ है और वो तुम पर अपनी रहमत कभी भी नहीं भेजेगा या कभी तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी नहीं बंद मोमिन के लिए इस दुनिया में हर चीज़ रहमत ही रहमत है कभी अच्छी शक्ल में और कभी तकलीफ़ शक्ल में क्योंकि बाज़ तकलीफ़ें इंसान को अल्लाह सुबहान करीब कर देती एक रिवायत से ये पता चलता है कि बंदे के लिए अल्लाह सुबहान तकाम और दर्जा रखा होता है अपने यहाँ जब अल्लाह ताला देखता है कि बंदा सिर्फ अपने अमल की बिना पर उस दर्जे को नहीं पहुँच पा रहा तो वह उस पर कोई इम्तहान भेज देता है कोई तकलीफ़ भेज देता है और जब वह उस पर सब्र करता है तो उसब्र की वजह से वो उस बुलंद मंजिल को बहुत तेज़ी से पहुंच जाता है तो बात हम सोचते हैं कि हम तो अच्छे काम कर रहे थे फिर हम पर ये मुसीबत क्यों आई फिर हमारे लिए मुश्किल क्यों खड़ी हुई उस वक्त बंदे को समझ नहीं आती लेकिन बंदे की समझ तो मामूली है कमज़ोर है बंदे को हर बात समझ आ ही नहीं सकती अल्लाह सुबहान का इल्म कामिल है और अल्लाह के अलावा सारी मखलूक का इल्म तो एक कतरे के बराबर भी नहीं इसलिए हमें ऐसी बातें कैसे समझ आएंगी कि कोई तकलीफ हम पर क्यों आई है लेकिन अल्लाह सुबहान तौर अपने बंदों पर हर हाल में मेहरबान है और वो तकलीफ़ के ज़रिए भी दरअसल बंदे पर रहम कर रहा होता है फिर इसी तरह बात इंसान के ईमान का इम्तहान हो जाता है और ऐसे हालात पेश आते हैं कि इंसान को अपनी ज़बान से वो बात कहनी पड़ जाती है जो उसका दिल नहीं कह रहा होता या बाज़त किसी ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो अल्लाह की इताहत करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर रहा होता नहीं कर पाता बावजूद कोशिश के तो ऐसी सूरत में भी अल्लाह सुबहान नाराज नहीं होता मसलन इस्लाम से पहले दौरे जाहलीत में मदीना में बाज़ लोग लॉन्डियों से आ, कोहबा गरी का काम करवाते थे यानी प्रोस्टिट्यूशन आम थी इस्लाम ने उसको रोकने की पूरी कोशिश की और उसको हराम करार दिया और बहुत से लोगों को इस अजाब से निजात भी दिलाई इसके बावजूद बाज़ लोग जो मुसलमान नहीं थे आ, वो इस गलत काम में मुलव थे तो अल्लाह सुबहान उन औरतों के लिए ख़ास तौर पर फ़रमाया वो मई युक्रन्ना फ़ान्ह इक्राह रहीम कि वो औरतें अगर मजबूर कर दी गई हैं वो ख़ुद इसे नापसंद करती हैं लेकिन साथ मजबूर हैं कि उनकी कोई से नहीं वो ग़ुलाम है उनकी कोई आज़ादी नहीं वो ख़ुद कुछ नहीं कर सकती तो अल्लाह सुबहान तला मजबूर लौटियों के लिए गफूर रहीम है क्योंकि अल्लाह से पढ़ कौन जानता है कि उसका कोई बंदा किस हाल में है वो कितनी स्ट्रगल कर रहा है कितनी कोशिश कर रहा है तो बाज़त कोशिश के बावजूद भी अगर इंसान कुछ अच्छे काम नहीं कर पाता जो वो करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसकी नीयत का ही लिख लेते हैं हदीस में आता है तुम्हारा रब तबार कोता बड़ा रहीम है अगर कोई शख्स नेकी का इरादा करता है और उसे कर नहीं पाता तो उसके लिए सिर्फ इरादे पर सिर्फ नीयत पर उसके लिए सवाब लिख लेता है फिर अगर वो उसे कर गुजरता है तो उसके लिए दस नेकियों से लेकर सात सौ गुना तक लिख देता है बल्कि इससे भी ज्यादा सवाब लिख दिया जाता है और अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करता है और फिर उसको करता नहीं है तो इस ना करने पर भी उसके लिए नेकी का सवाब लिख दिया जाता है हालांकि उसका इरादा था बुरा करने का लेकिन उसने किया नहीं और अगर वो उसको कर लेता है तो उस गुनाह पर सिर्फ एक गुनाह लिखा जाता है या अल्लाह ताला उसको भी मिटा देता है तो आप देखिए अल्लाह की रहमत क्या कोई और ऐसा हो सकता है हल तालमलहू समिया कोई भी ऐसा मेहरबान नहीं हो सकता कि जो सिर्फ़ इंसान की अच्छी नीयत और अच्छे इरादे पर उसको अजर देने वाला हो या अगर कोई अपना बुरा इरादा बदल ले तो उस पर भी शाबाश देने वाला हो फिर इसी तरह अला सुबहान ईमान वालों पर न सिर्फ ये कि उनकी ज़िंदगी में और आखिरत में बल्कि दुनिया से उनके जाने के बाद भी उनके अवाल की हिफाजत करता है ये भी उसकी ख़ास रहमत है मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो 16-17 माह तक तकरीबन बैतलमक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे उसके बाद तहवील किबला का हुक्म हुआ खान काबा की तरफ़ रुख करने का तो ऐसे में वो लोग जो इस दौरान फ़ौत हो गए थे और उन्होंने पहले किबले को कि, यानी कबला अव्वल को ही अपना किबला बना रखा था तो उनके दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ बाकी लोगों के कि कहीं उनकी नमाज़ें ज़ाया तो नहीं हो गई तो उस पर अल्ला सुबहान फरमाया कि अल्लाह ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान ज़ाया कर दे बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ी शफकत करने वाला और बड़ा रहीम है वो तो बंदे का दिल देखता है कि उसके अंदर क्या शौक़ है क्या इरादा है वो खुद क्या करना चाहता है तो अगर एक बंदा खुद नेकी का इरादा करता है और अच्छी नीयत के साथ कोई अच्छा काम करता है लेकिन उसकी समझ में बात दुरुस्त नहीं होती वो तो भी अल्लाह उस पर उसको अजर दे देता है फिर ईमान वालों की औलाद पर अल्लाह ताला रहमत करता है सूरत कहाफ़ में एक बहुत खूबसूरत वाक्य मिलता है जिसमें मूसम खजराम से मुलाकात करने के लिए जाते हैं पर ख़ज़र सलाम उनको कुछ सिखाने के लिए कश्ती में सवार होते हैं और मख्तलिफ़ जगहों का टूर करते हैं इस दौरान वो एक बस्ती में जाते हैं वहाँ से खाना मांगते हैं लेकिन उन्हें खाना नहीं मिलता रास्ते में वो देखते हैं चलते हुए कि एक दीवार गिरने लगी है तो वो उसको तमीर कर देते हैं मूसम बहुत हैरान होते हैं कि जिस बस्ती वालों ने आपको खाना नहीं दिया आप उनकी दीवार तमीर कर रहे हैं तो उस पर बाद में जब उन्होंने उसकी वजह बताई फरमाया कि व अम्म जिदारु फ़क़ानैन यती मैन फ़िल्मीन थी वकान तहतुल्ल हम व काना अबू हमा सा अरा दबुका अब लगा अशुद्ध हम वो यस्तख रिजा कंज और रही दीवार तो वो शहर में दो यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उन दोनों के लिए एक ख़ज़ाना दफन था जो उनका बाप उनके लिए छोड़ गया था और उनका बाप नेक आदमी था वो नेक आदमी दुनिया से चला गया बच्चे छोटे हैं कोई इनकी हिफाजत करने वाला नहीं उनके मालो मत की हिफाजत अल्लाह सुबहान सलाम को भेज के कर रहे हैं और उस पर दीवार बनवा रहे हैं और उस मौके पर जब उनको एंटरटेन ही नहीं किया गया लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनके दिल में ये ख़्याल डाला और उसकी वजह क्या थी कि तेरे रब ने चाहा कि ये बच्चे अपनी जवानी को पहुंच जाए और अपना खजाना निकाल लें तेरे रब की तरफ से रहमत करते हुए रहमत रबिक ये है रब की रहमत कि बाद अकात अल्लाह सुबहान वहाँ से हमारी हिफाजत कर रहा होता है कि हम खुद भी नहीं जानते हमें पता भी नहीं होता और इसी तरह आखिरत में भी अल्लाह सुबहान ख़ास बंदों के चेहरों को रोशन कर देंगे और उन्हें अपनी रहमत में ले लेंगे जिस तरह दुनिया में उनकी हिफाजत करते रहे आख़रत के अज़ाब और आख़रत की परेशानियों से बचा कर उनको अपनी ख़ास मेहरबानी और अपनी रहमत में जगह अता फ़रमाएंगे अल्लाह सुबहान ने उन यतीम बच्चों के माल की हिफाजत की अपनी ख़ास रहमत की वजह से और यहाँ यह भी याद रहे कि जब अल्लाह ताला किसी पर रहमत करना चाहता है अपना फ़ज़ल फरमाना चाहता है तो कोई उसको रोक नहीं सकता बंदों में तो आम तौर पर क्या होता है कि एक शख्स अगर दूसरे पर एहसान करने लगता है और किसी को पता चल जाता है तो अमूमन उसको रोक दिया जाता है दूसरे शख्स की कोई ख़राबी या कोई कोताही बताकर या बाजू का झूठा इल्ज़ाम लगाकर लेकिन अल्लाह सुबहान सारी रहमत उसकी अपनी फजल उसका अपना वो जिस पर चाहे करे और जब चाहे करे कोई उसको रोक नहीं सकता इर्शाद बारी ताला है माई अफलना फ़ला व मायूम सिक फ़ 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 फ़ला मुर्सिलहू ममबादी वहू जो कुछ अल्लाह लोगों के लिए रहमत में से खोल दे अता कर दे तो उसे कोई बंद करने वाला नहीं आमतौर पर हम समझते हैं कि फ़लाँ के हसद की वजह से नेमत रुक गई या फलाँ वजह से नहीं अगर अल्लाह देने वाला हो तो कोई रोक नहीं सकता जैसे हम हर नमाज के बाद भी पढ़ते हैं अल्लाह मलामामानेलम आता वतम आता अल्लाह कोई रुकावट नहीं डाल सकता जिसको तू अता करे और कोई दे नहीं सकता जिससे तू रोक दे तो यहाँ भी क्या फरमाया कि जो कुछ अल्लाह लोगों के लिए रहमत में से खोल दे तो उसे कोई बंद करने वाला नहीं और जो बंद कर दे तो उसके बाद उसे कोई खोलने वाला नहीं वही सब पर गालिब और कमाल हमत वाला है इसलिए हमेशा हमें अल्लाह का फजल मांगते रहना चाहिए उसकी रहमत को पुकारते रहना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल हालात में या हू या क्यूम बे रहमत का अस्तगीसू पढ़ा करते थे ए ज़िंदा रहने वाले ए कायम रहने और रखने वाले तेरी रहमत की फ़रियाद करता हूँ क्योंकि हमारे पास तो वो नेक अमल नहीं है हमारे पास अंदर तो वो ख़ूबी नहीं है कि जिसकी बिना पर अल्लाह सुबहान रहम फरमाए हाँ हम अल्लाह सुबहान फजल मांगते हैं कि वो अपनी जनाब से रहमत अता कर दे फिर बंदा मोमिन जब दुनिया से जाने लगता है तो उस वक्त उस रूह निकालने के लिए भी अल्लाह ताला रहमत के फरिश्ते भेजते हैं जो उसके साथ मेहरबानी का मामला करते हैं और खुशबूदार कफन में उसको रूह लपेट कर ले जाते हैं तो आइए यहां हम देखते हैं कि अल्लाह तआला की रहमत पाने के असबाब क्या है हमें क्या करना चाहिए कि अल्लाह सुबहान हम पर अपनी रहमत फरमाए सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह पर ईमान लाना है उसकी इतात करना है उसका तक्वा इख्तियार करना है लेकिन आमाल में सबसे पहला अमल जो अल्लाह सुबहान रहमत का बायस बनता है वो नमाज है रसूल अल्लाह सल्ह वसम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमत अला ही उसकी तरफ मुतव होती है यानी वो अल्लाह की ख़ास रहमत में होता है लिहाज़ा उसे इधर उधर कंकरियों से नहीं खेलना चाहिए यानी उसे भी अल्लाह की तरफ मतवज रहना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला उस पर तोज् फ़रमा रहे हैं फिर इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व्लम की इतात ये रहमत का बायस बनती है सूरतमरान में फरमाया वती और रसूल अम तरह और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो ताकि तुम पर रहम किया जाए इसी तरह कुरान मजीद की तलीमत की पैरवी करना यह भी अल्लाह की रहमत का ज़रिया है सूरत नाम में फ़रमाया वहाद किताबन मुबारक फ़त बेहू वुरहुन और ये एक किताब है जिसे हमने नाजिल किया है बड़ी बरकत वाली है बहुत मुबारक है बस इसकी पैरवी करो इस किताब को फॉलो करो और तकवा करो ताकि तुम पे रहम किया जाए यानी अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उस पर अल्लाह ताला की रहमत और फजल हो तो उसे चाहिए कि कुरान से रिश्ता जोड़े कुरान की पैरवी करे कुरान को पढ़े उसको समझे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे फिर इसी तरह एक और जगह पर आता है वक्त तबलना फ़ीहा दुनिया हसनत आख़िरती इन्ना हदना अलेक अज़ा भी उसी बी मन अशा

तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया फरमाया मेरा अज़ाब मैं उसे पहुँचाता हूँ जिसे चाहता हूँ और मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेर रखा है सो मैं उसे उन लोगों के लिए ज़रूर लिख दूँगा अपनी रहमत को जो तकवा करेंगे और जो जक़ात देंगे यहाँ अल्लाह सुबहान ने ज़क़़त का जिक्र ख़ास पर किया नमाज़ का जिक्र यहां नहीं है तकवा के बाद ज़कवात का जिक्र है नमाज का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि नमाज की हालत में अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है और यहाँ पर अल्लाह ताला का वादा है कि जो ज़क़़त देंगे उनके लिए मैं लाजमा अपनी रहमत लिख दूँगा और उनके लिए जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं यानी कुरान मजीद पर किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए इंसान को तो जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उस पर मेहरबानी कर दे अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात आसान कर दे तो उसके लिए लाजिम है कि वो अल्लाह ताला से डरने वाला हो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करने वाला हो न सिर्फ़ ये कि अपनी जिस्मानी इबादत में बल्कि अपनी माली इबादत में भी फिर इसी तरह कुरान मजीद को ख़ामोशी से सुनने पर भी रहमत का वादा है फरमाया القرآن फस्तम व وانصتوا لعلكم ترحمون, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे ग़ौर से सुनो और ख़ामोश रहो शायद कि तुम पर रहम किया जाए यानी क़ुरान मजीद इतनी मज़्ज़ किताब है अल्लाह ताला का कलाम है अल्लाह ताला का फरमान है लिहाजा जो इस पर तवज्जो करेगा जो इसको इम्पोर्टेंस देगा वो भी अल्लाह सुबहान की ख़ास रहमत में होगा फिर इसी तरह इस्तार यानी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना अल्लाह ताला फ़रमाते हैं लउूलाम तमून सूरत नमल में फ़रमाया साल सलाम ने अपनी कौम से कहा तुम अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं तलब करते यानी गुनाह हो चुके ज़्यादियाँ हो चुकी तो पलट आओ इस्तार कर लो ताकि तुम पर रहम किया जाए यानी अगर कोई शख्स ये समझता है कि उससे बहुत गुनाह हो गए हैं और वो अल्लाह की रहमत से अब महरूम है तो ये सोचने के बजाय उसे फ़ौर पलट आना चाहिए गुनाहों को छोड़ देना चाहिए और अल्लाह ताली से माफ़ी मांगते हुए अल्लाह की रहमत को पुकारना चाहिए एक और जगह पर आता है, सूरत अनसा में वो मै आम सू अन अज़ल नफसहु फुम अस्तफ़िर यहाफ़ूर रहीम और जो भी कोई बुरा काम करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे वो अल्लाह को बेहद बख्शने वाला नहायत रहीम पाएगा यानी जिससे भी बुराई हो जाए जिससे भी कोई गलती हो जाए छोटी हो या बड़ी हो अपनी जान पर कोई जुल्म हो जाए खुद के साथ ज़्यादी हो जाए और फिर तोबा कर ले तो अल्लाह ताला तोबा कबूल कर लेगा जैसे आदम ने जब वो भूल कर उस दरख्त का फल खा बैठे और उनसे जन्नत के लिए बाँस उतरवा लिए गए तो अल्लाह से जब उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए तो अल्लाह ताला ने रहमत फ़रमाते हुए खुद उनको कलिमात सिखा दिए कि किन अल्फाज में तुम मुझसे दुआ करो तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा तो उन्होंने क्या कहा रबना लम ना अनफुसना वो तकफिर लना वो तरह ना लन खुन मिनसरिन हमारे रब हमने अपनी जानों पर जुल्म किया अगर तूने हमें बख्शा नहीं और तूने हम पर रहम नहीं किया तो हम ज़रूर नुकसान उठा जाएंगे तो अल्लाह अल्लाबहान ने उनको बख्श दिया तो यही सबक हमारे लिए आदम की औलाद के लिए भी यही रहा है कि गुनाह हो जाए तो फ़ौर पलट आओ अल्लाह से माफ़ी मांग लो

तो आप कहिए कि सलाम हो तुम पर तुम्हारे रब ने रहम करना अपने ऊपर लाजिम कर रखा है कि बेशक हकीकत यह है कि तुम में से जो शख्स जहालत से कोई बुराई कर ले ला इल्मी से फिर उसके बाद तौबा कर ले और इसलाह कर ले तो यकीनन वो बेहद बख्शने वाला नहाय रहम फ़रमाने वाला है तो इससे पता चलता है कि अल्लाह सुबहान रहमत उन लोगों के लिए है जो तौबा करते हैं फिर इसी तरह अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह की रहमत का सबब बनता है हज़रत युसरा जो महाजर साहबियात में थी, से थी उनसे मरवी है कि नबी अलैहि वसल्लम ने हमसे फ़रमाया ऐ और तो अपने ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह और अल्लाह की पाकी बयान करना लाजिम कर लो गाफ़िल ना रहा करो कि रहमत लाही को फरामोश कर दो यानी जिक्र से गफलत रहमत से दूरी की अलामत है। और जो ही इंसान अल्लाह का जिक्र करने लगता है तो अल्लाह ताली की रहमत उसकी तरफ मुतव हो जाती है और इन तस्बीहात को उंगलियों पर शुमार करो इन उंगलियों पर गिना करो इस जिक्र की तस्बीह को क्योंकि क्यामत के दिन इनसे भी पूछ गुछ होगी हाथों से भी सवाल किया जाएगा कि किस काम में लगे रहे और इन्हें बोलने की कुव्वत दी जाएगी तो जब ये बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जो तस्बीहात इन पर पड़ी होगी वो बोल के इंसान के हक में गवाही देंगे फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग अल्लाह के जिक्र के लिए बैठते हैं यानी इकट्ठे बैठते हैं फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं रहमत उन्हें ढांप लेती है शकीनत उन पर उतरती है और अल्लाह ताला उनका जिक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करते हैं फिर इसी तरह दूसरों को माफ कर देना चाहिए अगर इंसान यह चाहता हो कि उस पर अल्लाह सुबहान रहमत हो तो उसे चाहिए कि वह बंदों पर रहम करे और बंदों के कसूर माफ कर दे फिर इसी तरह बंदों की आयादत बंदों पर रहमत और शफकत अगर कोई बीमार हो जाए तो ख़ास तौर पर उसका ख्याल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्म ने फ़रमाया जब कोई शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वह जन्नत के बागात में चलता है यहाँ तक कि बैठ जाए और जब वह मरीज़ के पास बैठ जाता है तो अल्लाह की रहमत उसे ढाँप लेती लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि अगर कोई बंदा करता है तो उस पर रहमत नहीं आती जिसमें ख़ास तौर पर दूसरों पर रहम न करना संग दिल होना दूसरों के साथ ज्याती करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहमत सिवाय बदबख्त के किसी से नहीं छीनी जाती फिर इसी तरह बच्चों को प्यार न करना बाजुकत जब बच्चे अपने माँ बाप के पास हों तो हर कोई प्यार करता है लेकिन अगर बच्चे अपने वालदे से अलग हैं तो अमूमन उनकी तरफ लोग तवज्जो नहीं करते खूब यतीम बच्चों की तरफ फिर इसी तरह अल्लाह सुबहान सिफत के साथ दुआएं भी मांगनी चाहिए जैसे इब्राहीम और इसमायसम की दुआ है रब्बना बना वालना मुस्लिम न लका वो मंद्रियतना मुसलमतलक वरना मना सिक मनासिकना व तुब आलिना इन नंत तववाबरम ए हमारे रब और हमें अपने लिए फरमा बरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत अपने लिए फर्मा बरदार पैदा कर और हमें इबादत के तरीके से और हमारी तोबा कबूल फरमा क्योंकि तू तो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है इसी तरह मूसम ने भी अल्लाह की सिफ़त रहमत के साथ दुआ की इसी तरह अगर मैत के लिए दुआ की जाए तो इस नाम के वसीले से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला इन उस पर भी रहम फ़रमाएंगे जैसे आता है फ़िरू और हम हूँ अन का अंतफ़ूर रहीम पर इसी तरह जब बारिश हो तो उस वक्त भी दुआ कबूल होती है उस वक्त भी अल्लाह की ख़ास रहमत मांगनी चाहिए मस्जिद में दाखिल होते वक्त रहमत मांगनी चाहिए अल्लाहताली अब राहमत का अहला मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे फिर सिर्फ़ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी रहमत की दुआ करनी चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को मस्जिद में कुरान पढ़ते हुए सुना तो आपने फ़रमाया अल्लाह इस पर रहम फ़रमाए इसने मुझे फ़लाँ और फलाँ आयत याद करा दी जिसको मैं किसी सूरत में भूल गया था हज़रत तायशा फ़रमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तहज्जुद पढ़ रहे थे आपने अब्बाद की आवाज़ सुनी वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे तो आपने फरमाया आयशा क्या ये अब्बाद की आवाज़ है मैंने अर्ज़ किया जी हाँ आपने फ़रमाया अर हम अब्बाद ए अल्लाह अब्बाद पर रहम फरमा यानी जब किसी बंदे को अच्छा काम करते हुए देखें तो उसके लिए दुआ करें अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह सुबहान तो रहीम है ही इस सिफ़त को जानने के बाद हम पर क्या लाजिम होता है हमें क्या करना चाहिए तो पहली चीज़ ये कि हमें अल्लाह सुबहान रहमत को मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर महसूस करना चाहिए हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए हमें दूसरे बंदों के लिए मेहरबान हो जाना चाहिए संग दिली शकावत और बदबकी की बजाय दिलों की रहमत और शफ़कत और मोहब्बत से अल्लाह सुबहान तामने हाज़िर होना चाहिए सब लोगों के लिए रहीम होना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ये नहीं कि सिर्फ़ अपने दोस्त के हक़ में रहम दिल बन जाओ बल्कि तमाम लोगों पर रहम करना होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को फ़रमाया कि अना किन्ना रहमा मैं नबी रहमत हूँ अल्लाह ताला आपके बारे में फरमाते वमा फ़रमातेम अर सहमत आलमीन हमने आपको जहान वालों के लिए रहमत बना कर भेजा और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि आपके अंदर दूसरों के लिए बहुत शफकत थी और किसी का भी तकलीफ में पढ़ना आपको बहुत नागवार होता था और यही दरअसल रहमत है कि इंसान किसी और की तकलीफ़ पर खुश ना हो बल्कि किसी की तकलीफ़ पर उसके लिए और ज़्यादा नरमी कर दे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती लोग तीन किस्म के हैं हुकूमत के साथ इंसाफ करने वाले यानी अगर उनको इकतदार मिले तो उसमें इंसाफ का रवैया अख्तियार करने वाले सदका खैरात करने वाले तौफीक अता किए हुए वो आदमी जो अपने तमाम रिश्तेदारों और मुसलमानों के लिए रहीम और नरम दिल हो वो आदमी के जो पाक दामन पाकिज़ा खुल्क वाला हो और आयालदार भी हो लेकिन किसी के सामने हाथ ना फैलाए तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम पर रहमत फ़रमाए और हमारे दिलों में अपनी मखलूक के लिए रहम डाल दे व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता استغفرك واتوب يا الله انت الحسيب يا الله انت الشافي يا الله انت المبين يا الله انت الوكيل يا